दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं करतारपुर के मेले में सोनालिका 90 RX 4x4 AC कैबिन के साथ। इसके टायर वगैरह साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका फ्रंट टायर जो है 12x24 के अंदर फ्रंट टायर है। अगर इसके रियर टायर की अगर हम बात करें तो 18x30 का इसके अंदर रियर टायर है। टायरों के अंदर कंपनी वेट वगैरह लगा के दे रही है। इसके कैबिन की बात करेंगे पहले इसके चारों तरफ से घूम लेते हैं। सिकंदर सीरीज के अंदर ये RX सीरीज है, 4x4 है, EPTI ड्राइव है इसके अंदर। इसके अंदर आगे कंपनी वेट वगैरह लगा के दे रही है। वेट की प्लेट अगर हम कर दें तो इसके अंदर 8 प्लेटें कंपनी लगा के दे रही है और एक प्लेट का वेट है 31 kg। सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और इसके अलावा इसके अगर स्टीयरिंग वगैरह की बात करते हैं तो पावर स्टीयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर है, डबल कनेक्टिंग पावर हेड वाला। इसके अंदर इंजन को अटैच करके कंपनी देती है। इसके अंदर ये दी गई है लिंकेज, इसके अंदर दी गई है ताकि आपके इंजन और गियर बॉक्स की मजबूती साथ जुड़ी रहे। दोनों साइड से कैबिन के अंदर चढ़ने का इसके अंदर बनाया गया है। एक समान गहरी बुआई और इसका फिंगर टच हाइड्रोलिक कंट्रोल जो चले आपकी उंगलियों के इशारे पर। पिछले से के अंदर इसका जो है एडजस्टेबल सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। पीटी वगैरह के लिए क्लच वगैरह का सिस्टम इसके अंदर अलग से दिया गया है। स्मूथ क्लच जिससे मिलता है आपके पैरों को। पीटी लीवर इसमें पहले यहां पे आता था, अब इसके अंदर पीटी लीवर आगे भेज दिया गया है। 4 नोजल का इसके अंदर जो बदले हाइड्रोलिक सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ सेंसर्स वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पे इसके अंदर वाइपर की मोटर के वाइपर के पानी के लिए इसके अंदर ये दिया है। अंदर से आप इसके अंदर फिटिंग के बंद भी करने के लिए इसके अंदर बनाया गया है। वाइपर मोटर इसके अंदर दे रही है कंपनी। चलो इसके अंदर आपको ले चलते हैं। अभी लगा 24 स्पीड HS HD 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये ट्रैक्टर आता है। देता है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट परफॉर्मेंस। बोनट वगैरह के अंदर इसके अंदर ऊपर से कंपनी जाली दे रही ताकि आपका ट्रैक्टर कम से कम हीट हो। सिकंदर का मल्टी डिस्क OIB ब्रेक रहता है ब्रेक्स को ठंडा। चलो इसके अंदर के आपको दिखाएं डीजल टैंक क्या लीटर का सर इसका। सिकंदर के साथ ही आप सुरक्षित 78 लीटर इसके अंदर डीजल टैंक दे रही है कंपनी और जो पायदान के नीचे दिए गए हैं वहाँ से हटा करके ताकि ट्रैक्टर की लंबाई थोड़ी सी घट जाए। और यहाँ इसके अंदर यहाँ पे टूल बॉक्स इसके अंदर कंपनी दे रही है और इसका बड़ा फ्रंट ग्रिल बनाए रखे इंजन का तापमान समान और इसका एडवांस्ड हीट शील्ड। इसके कैबिन वगैरह की बात करें तो काफ़ी खुला कैबिन इसके अंदर, जैसे डैशबोर्ड के अंदर ये अच्छे से इसके अंदर ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। AC वगैरह चलाने के लिए AC के टेम्परेचर का सिस्टम इसके अंदर सारा साथ में दिया गया है। यहाँ पे इसके अंदर आप डैग लगा सकते हैं और यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है। इधर एयर वगैरह के लिए इस पे चारों तरफ से इससे पीछे स्पीकर लगे हुए हैं, ऊपर भी एयर का सिस्टम इसके अंदर दे रही है कंपनी। मतलब अच्छा काफ़ी अच्छा इसका डैशबोर्ड बनाया गया है। यहाँ पे साइड में बंदा बैठ भी सकता है। ये यहाँ पे इसके जो है इंप्लीमेंट्स के लिए हाइड्रोलिक लीवर इसके अंदर दिए गए हैं और खुशियों का इसके अंदर यहाँ पे लिफ्टों के लीवर। इसका गियर वगैरह की बात करते हैं तो इसके अंदर ये 4 फॉरवर्ड्स गियर दिए गए हैं और चारों गियर इसके फॉरवर्ड्स और चारों ही रिवर्स दोनों साइड काम करेंगे। अगर गियर वगैरह की इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल कितने स्मूथली गियर लगते हैं इसके और वो बिना क्लच दबाए। ये देखो ये इधर से भी आप देख सकते हैं। देखो फुल गियर बहुत आसानी से इसके लगते हैं। और बन जाइए आप भी अपनी किस्मत के सिकंदर। भैया इसके ब्रेक वगैरह की बात करें तो अच्छे से इसके अंदर पावर ब्रेक के अंदर इंग्लिश ब्रेक के साथ ही इसके अंदर ये। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर देखो एडजस्टेबल स्टीयरिंग इसके अंदर आ रहे हैं। ये देखो इसके अंदर वैसे इसके दबा के नीचे भी कर सकते हैं। और रफ्तार का ही नाम है सोनालिका सिकंदर। अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ भी इसका स्टीयरिंग सेट करना चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिएगा एक अच्छा सिस्टम इसके अंदर कंपनी दे रही है। जैसे भी आपको अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करना हो या फिर एडजस्ट कर सकते हैं आप। देखिए हमारे साथ एक अच्छा एडजस्टेबल स्टीयरिंग इसके अंदर कंपनी ने दिया है। ये इसके अंदर डैशबोर्ड की इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जैसे यह RPM मीटर हो गया, ये इसका आवर्स मीटर हो गया, ये इसका ऑयल प्रेशर का मीटर हो गया टेम्परेचर के लिए, ये इसके अंदर फ्यूल टैंक हो गया और ये इसके अंदर तरह तरह के इंडिकेटर्स इसके अंदर कंपनी दे रही है काफ़ी तरह के जिसको आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो है हैंड वाली रेस होगी इधर, ये भी काफ़ी अच्छी बनाई है इसके अंदर। ये इसके अंदर जो हेडलाइट वगैरह के लिए सिस्टम बनाया गया है काफ़ी अच्छा है। इधर भी बंदा बैठ सकता है। इसके अंदर यहाँ पे भी एक सीट बनाई गई है बैठने के लिए।
यहाँ पे आदि में ट्रैक्टर है, ये इसके अंदर आप गिलास या बोतल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ये इसके अंदर जैसे आप बैठोगे तो साइड में खिड़की भी यहाँ से खोल सकते हैं, ये अलग से जैसे खुल जाती है ऐसे, और ये इसके ऐसे बंद कर सकते हैं आप। ये देखो अलग से खुलने के लिए खिड़कियाँ साइड में भी, और आगे ये भी दोनों साइड में खिड़कियाँ इसके अंदर दी, खिड़कियों के अंदर जैक दिए गए हैं हल्के हल्के से, जैसे आपके खिड़की एकदम से बाहर जाके ना लगे, दोनों साइड जैक के दिए गए हैं। ये देख साइड भी आप जैक देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं आराम से, और पीछे भी स्पेस इसके अंदर कंपनी ने अच्छा खासा स्पेस बनाया है। और इम्प्लीमेंट्स जोड़ते टाइम आप यहाँ से खिड़की खोल सकते हैं, पीछे भी इसके अंदर खिड़की है, पीछे शीशे पे भी वाइपर लगा के कंपनी दे रही है। और ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे भी शीशा लगाया गया ताकि आप जोड़ते कोई इम्प्लीमेंट जोड़ते टाइम आराम से चेक कर सके। बोलिए कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी स्पेस इसके अंदर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस। इसके गियर वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर चार फॉरवर्ड्स गियर हैं, 1, 2, 3, 4, और आईलो के हिसाब से ये इसके अंदर 8 गियर हो गए। आईलो मीडियम ये इधर लो है, ये इधर आई है, और ये बीच में इसका मीडियम बनाया गया है कछुआ खरगोश और वन के साथ, यानी कि इसके अंदर 12 फॉरवर्ड्स गियर हो गए। और इस गियर के हिसाब से अगर देखें तो 12 इसके फॉरवर्ड्स हो गए और 12 रिवर्स गियर हो गए। और ये इसका हैंड ब्रेक है, ये इसकी पीटीओ क्लच यहाँ पे है, ये इसका पीटीओ लीवर है, और इसके अगर पीटीओ राउंड्स की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर पीटीओ राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर लीवर दिया गया है, जिसमें 540 फॉरवर्ड्स और 540 इकोनॉमी, आप दोनों तरह की स्पीड इसमें गियर के हिसाब से ले सकते हैं। और ये इसके अंदर यहाँ पे सेंटर लॉक बनाया गया है, और सेंटर लॉक काफ़ी अच्छा है, देखो प्रेशर से नीचे जा रहा है, छोड़ते वापस आ रहा है, एक इतना अच्छा सेंटर लॉक आपने किसी ट्रैक्टर में आज तक नहीं देखा होगा। ये इसकी पैर की रेस होगी, ये इसके हैंड ब्रेक वगैरह हो गए, और ये तो इसकी क्लच होगी, और क्लच और ब्रेक दोनों इसके ऑयल से चलते हैं, ऑयल प्रेशर से ये इसकी हैंड रेस होगी। ये स्टेज का स्टीयरिंग है एडजस्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कम्फर्ट इसके अंदर है, और इसके अंदर एक सनरूफ भी इसके अंदर कंपनी लगा के दे रही है, अगर आपको ज़्यादा धूप वगैरह लग रही है तो आप सनरूफ इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इधर एसी वगैरह के लिए जगह जगह से इसके अंदर ब्लोर दिए गए, यहाँ पे भी है, और इधर छत के अंदर भी है, काफ़ी अच्छा कैबिन इसके अंदर कंपनी बना के दे रही है, साइड शीशे भी इसके अंदर लगा के दे रही है, कंदर के लिए है, और दोनों साइडों में भी एक उधर भी है एक इधर भी है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है। इसके प्राइस वगैरह की बात करते हैं तो सर इसका प्राइस कितना है, मेले के अंदर इसका प्राइस जो है 14,10,000 रुपये रखा गया है। ट्रैक्टर तो साइड से लगाई गई है, ये अभी कस्टमर ही लगातार इस चीज़ की डिमांड है।